वही मध्य प्रदेश के कटनी के गुलवारा ग्राम पंचायत में वन विभाग ने वन मंडल अधिकारी गौरव शर्मा के नेतृत्व में मां के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक संदीप जायसवाल, कलेक्टर अवि प्रसाद और पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की मौजूदगी में 50 एकड़ जमीन पर नगर वन की स्थापना की गई, जिसमें शासकीय कन्या महाविद्यालय की सभी छात्राओं ने अपने परिजनों के नाम पर एक एक पौधा लगाया। वही वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि गर्मी के मौसम में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण हमारे आसपास जंगलों की कमी है, इसलिए नगर वन की स्थापना की जा रही है। इस पूरी कार्यक्रम को जिले भर के हर ग्राम पंचायत में करा जा रहा है। रही बात आज जो सिटी फॉरेस्ट के अंदर काम शुरू हुआ है, ये डीएफओ साहब के नेतृत्व में हुआ है और ये एक बड़ी विजन है नगर वन की। और इसके अंदर जो वन विभाग को सहायता चाहिएगी ग्रामीण विकास विभाग से, हमारे से, जिला पंचायत से, जैसे कि यहाँ पर कुछ अन्य एमिनिटीज देनी है, पौधारोपण के अलावा अन्य जो काम करना है उसमें हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान मनरेगा के तहत सभी ग्राम पंचायतों के अंदर, अपनी 407 ग्राम पंचायतों में करा जा रहा है। ये एक नगर वन ग्रीन इंडिया मिशन जो भारत सरकार की स्कीम है उसका पार्ट है। नगर वन के तहत हमको 20 हेक्टेयर की जमीन मिली है, जो कि आप देख रहे हैं शहर की कितनी अच्छी लोकेशन पर है, हाईवे पास में ही है। रोड के राइट साइड में 10 हेक्टेयर है, लेफ्ट साइड में 10 हेक्टेयर है। इस 20 हेक्टेयर की जमीन पे हम करीबन 15,000 पौधे लगाने वाले हैं। आज हमने शुरुआत की है, माननीय विधायक, जिले के सभी अधिकारी और शासकीय कन्या विद्यालय की इतनी सारी लड़कियां हैं मौजूद थी, उसके तहत करीबन 2,500 पौधे तो हम आज ही लगाने वाले हैं और अगले 4-5 दिन के अंदर करीबन 15,000 पौधे इस नगर वन के अंदर एक वृक्ष माँ के नाम स्कीम के अभियान के अंतर्गत लगने वाले हैं। हमने इस नगर वन में एक मातृ वन भी बनाया है, उस मातृ वन में आज हम पौधे लगा रहे हैं। इसके अलावा इस नगर वन में एक नक्षत्र वन भी है, राम सीता वाटिका भी है, एक मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बोटानिकल गार्डन भी है, एक स्मृति वन भी है। हम यहाँ पे रोड्स देंगे, लाइट्स की व्यवस्था करेंगे, जिससे लोग आराम से इस सिटी के अंदर ही इस फॉरेस्ट की फील ले सकें।